तुर्कमेनिस्तान में ईरान और रूस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। ताज़ा मंजर आपके सामने है। बताना चाहूँगा कि दोनों देशों ने अहम मुद्दों पर मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। पूरी तरह से रशिया और ईरान की दोस्ती अलग ही नज़र आई, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में दोनों ने अलग से ही मीटिंग की। दोनों देशों की डेलीगेशन ने अलग से प्राइवेट में मीटिंग की और कई सारी बातों को एक दूसरे से शेयर किया, कई अपडेट्स एक दूसरे को दिए। और आपको बता दूं कि वापस अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान के राष्ट्रपति की है। जब वो वापस ईरान पहुंच गए, उन्होंने फिर वहां पहुंचने के बाद कहा कि मैंने रशिया से मांग की है कि फिलिस्तीन, गाज़ा और लेबनान में इसराइल जो कर रहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कदम रूस उठाए, कोई हल निकाले, कोई सॉल्यूशन दे और हमारा साथ दे। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान की ही रिपोर्ट के अनुसार खबर ये सामने आ रही है कि कुछ रशियन ऑफिशियल्स और कुछ चाइना के ऑफिशियल चुपके से ईरान पहुंचे थे और ईरान की गवर्नमेंट से उन्होंने बात की है शांति बनाने के लिए, अमन के लिए और शांत रहने के लिए। सभी जानते हैं कि अजरबैजान इसराइल के साथ है, इसी वजह से ईरान अजरबैजान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले अजरबैजान ने ईरान को धमकी भी दी थी कि अगर आपने हमारे यहाँ मौजूद जो इसराइल का बेस है वहाँ हमला किया तो हम पलटवार करेंगे और ईरान पर आग की बारिश कर देंगे। अब देखिए ईरान क्यों चिढ़ता है, ये लाइव अपडेट देखिए। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अपडेट है जिसमें एक जहाज़ अजरबैजान का ही उड़ता है और इसराइल के सैन्य अड्डे पर इसराइल में उतरता है। कई तरह के सवाल हैं कि अजरबैजान का यह जहाज, ये विमान अंदर सामान क्या रख कर लेके गया, क्योंकि उसमें पैसेंजर तो होंगे नहीं जो एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय मिलिट्री बेस पर उतर रहा है। कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। वहीं ईरान पूरी तरह से खुन्नस में है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को इसराइल ने निशाना बनाया तो हम परमाणु पॉलिसी अपनी बदल लेंगे। वहीं ईरान के समर्थन में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अगर ईरान के ऑयल फैसिलिटी से लेकर ईरान के अगर परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, तो ये काफ़ी भड़काने वाला इसराइल का काम होगा। वहीं अमरीकी रिपोर्ट के अंदर ये दावा हो रहा है कि अमरीका की सरकार को अभी तक यकीन ही नहीं है कि ईरान ने कोई फैसला लिया है कि वो परमाणु बम बनाएगा। अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु नहीं बनाएगा। हजरत मोहतरम, अरब देशों को ईरान डायरेक्ट धमकी दे चुका है, लेकिन एक बार फिर से खबर आ रही है कि अमेरिका के साथियों को, यानी अरब देशों को और अमेरिका के और जो दूसरे देश साथी हैं उनको भी ईरान ने धमकी दी है कि अगर आपने अपना एयर स्पेस या अपनी ज़मीन ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल को दिए तो याद रखिएगा हम सीधा हमला आप पर भी करेंगे। खबर अब बड़ी आ रही है कि ईरान ने मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां जो अंडरग्राउंड हैं उनको बढ़ा लिया है। बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियां ज़मीन के नीचे लगा ली हैं जिसमें वो ख़तरनाक मिसाइलें बना रहा है और उन मिसाइलों को वो दूसरों को देगा, एक्सपोर्ट करेगा। नाम यमन का आ रहा है कि ईरान यमन को मिसाइलें देगा। हजरत मोहतरम, हसन नसरुल्ला के साथ एक सीनियर IRGC कमांडर मारे गए थे, इनकी बॉडी आज जाकर बैरूत में मिली है, नाम इनका अब्बास है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा खेल चल रहा है ईरान की राजनीति में। ये बात क्लियर है कि ईरान के अंदर ही ईरान के बड़े बड़े पोजीशन पर मूसाद के एजेंट हैं। इस्माइल कानी को यह बात सच है, गिरफ्तार किया गया, IRGC ने पूछताछ भी की और ये भी कंफर्म खबर है कि वो हार्ट अटैक से बीमार हुए, हार्ट अटैक आया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ईरान पर जो यकीन था लोगों का वो डगमगा गया। ईरान के अंदर ही लोगों के बीच फूट पड़ गई और ईरान का मजाक बनने लगा, जिसके चलते हुए तुरंत ईरान की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि इस्माइल कानी के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं, इस्माइल कानी गद्दार नहीं है और आने वाले कुछ ही दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर उनको अवार्ड भी देंगे। मेरे दोस्तों, ये खुद समझ में आने वाली बात नहीं है
कि पहले ईरान के ऑफिशियल खुद कहते हैं कि इस्माइल कानी गद्दार निकले, फिर उसके बाद 48 घंटे के बाद पूरी दुनिया के हर अखबार और हर चैनल पर खबर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ये प्रोपेगेंडा है, ईरान के भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर यह खबर आती है। लेकिन जिस तरह से ईरान की इमेज बनी थी इस्माइल कानी के बारे में, जो बात निकल के सामने आई कि वो मोसाद के एजेंट थे, इससे ईरान की मिलिट्री पर लोगों का यकीन कम हुआ, जिसके बाद अपनी राजनीति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की इमेज को देखते हुए कहा जा रहा है कि ईरान ने साफ कह दिया कि नहीं नहीं ये तो गद्दार है ही नहीं, इन पर तो इल्ज़ाम लगा था, बल्कि इनको तो आयतुल्ला खामनाई अवार्ड देंगे। अब ज़रा सोच के देखिए, इस्माइल कानी की जगह एक दूसरे कमांडर को ईरान ने लेबनान भेजा है कि आप लेबनान जाइए और हिजबुल्लाह को दोबारा से मजबूत कीजिए। ईरान की धमकी ने जो अरब को धमकी दी थी वो बहुत मजबूती से काम कर गई। 4 अरब देशों ने, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, इन तमाम 4 देशों ने मिलकर खत लिखा है अमेरिका को कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो हम इसराइल को या इसराइल के किसी साथी को अपना एयर स्पेस और अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वहीं ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने बिल्कुल सटीक बात 4 लाइनों में कह दी कि इसराइल इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा नरसंहार कर रहा है वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उसकी हार से लोगों का ध्यान बट सके। इसराइल पूरी तरह से अपने स्ट्रेटेजिक हार एक्सेप्ट कर चुका है लेकिन मुंह पर नहीं कह रहा है। इसराइल ने जितने कदम उठाए हैं उसमें पूरी तरह से मुंह केवल गिरा है। इन रजीम दर मुकाबले बा मिल्लत हाय फिलिस्तीन व लबनान है। रजीम सहयोनिस्ती बायद बदानत बा हमलात हवाई व अमलियात हाय टेरर नमीतवानत शिकस्त हाय राहबर्दी खुद रा जबरान कुनत و تنها سرعت ازبهلال موجودیت خود را شدت می کشد. لذا به جای حملات هوایی و کشتن انسانهای بیگناه بهتر از هرچه زودتر مسیر توافق برای آتش بس که حداقل حقوق مردم غزه و لبنان را رعایت می کند را در پیش بگیرد. ما رؤسای مجالس و پارلمانهای کشورها به نمایندگی از مردم خود وظیفه داریم. उधर मेरे दोस्तों इसराइल ये कह रहा है कि हमारे निशाने पर ईरान है, लेकिन ईरान पहले से ही इसराइल के कई इलाकों को निशाने पर रख के बैठा है। ये मैप देखिए, ईरान के निशाने पर इसराइल के 15 ऑयल फैसिलिटी, पावर प्लांट और गैस फील्ड, और इसके अलावा इसराइल के कई सारे बेस, मिलिट्री बेस निशाने पर हैं और हमारी मिज़ाइलें बिल्कुल लॉन्च को तैयार हैं। मेरे दोस्तों सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर जो ईरान ने रेड क्रीसेंट हॉस्पिटल बनाया था, इसराइल ने उसी हॉस्पिटल पर बमबारी करके उस हॉस्पिटल को तबाह कर दिया था। यह अपडेट मैंने कल दिया था लेकिन क्योंकि सबूत का मैं भी आपकी तरह भूखा हूं तो अब आया है विजुअल। उस अस्पताल का मलबा ये है। في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلوس। इसराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट की वोटिंग चल रही थी कि कितने बजे और कब ईरान पर हमला करना है, लेकिन एंड मूवमेंट पर वोटिंग को कैंसिल कर दिया गया और अब ये कहा गया कि फोन पर भी वोटिंग करके तुरंत फैसला लिया जा सकता है। जैसे अभी वोटिंग हुई और वोटिंग के तुरंत बाद ईरान पर हमला कर दिया जाए ताकि बात लीक भी ना हो, और अगर कैबिनेट से बात निकल भी जाए तो ईरान को संभलने का मौका ना मिले और सीधा बड़ा हमला हो जाए। हजरत मोहतरम, वहीं आपको बता दूं कि इसराइल के ऑफिशियल ने खुद कहा है कि कब, कहां, कैसे
इसराइल ईरान पर हमला करेगा, इसराइल डिसाइड नहीं कर पाया है क्योंकि अमेरिका के साथ इस बार इसराइल की ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही है और टकराव हो रहा है। उधर ईरान के ऊपर अमेरिका ने पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल सेक्टर, ईंधन सेक्टर पर और कड़े प्रतिबंध लगाकर इसराइल को खुश करने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के जंग को लड़ने के लिए जो महिला खड़ी है, नाम है कमला हैरिस, उसने जहरीला बयान ईरान के खिलाफ दिया है और कहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं अमेरिका की तो मैं कभी भी ईरान को परमाणु हासिल ना करने दूं। हजरत मोहतरम, उधर अमेरिका में चुनाव जो होने वाले हैं वो आखिरी चरण में हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का खौफ जताते हुए कह दिया है कि मेरी जान को खतरा है, लिहाजा अमेरिका मुझे मिलिट्री एयरक्राफ्ट दे ताकि मेरी जान को खतरा ना हो और ईरान मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। फिलहाल के ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।